34 साल बाद श्रीनगर में खुला मल्टीप्लेक्स, कर्मचारियों में दिखाई गई उत्साह। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन, फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग। मल्टीप्लेक्स में जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक, का पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। आतंकवाद के चलते घाटी में बंद किए गए थे सिनेमा हॉल्स, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा नए अध्याय की हुई शुरुआत। यहां के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूं कि आज से वो उन चीजों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए था। आज बीजेपी के मेयर सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के देश भर के मेयर को संबोधित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा विकास के मुद्दे पर जनता को बीजेपी पर भरोसा। विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सचिन पायलट, केरल में चल रही राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट और मोरबी में होंगे कार्यक्रम। मोरबी में जेपी नड्डा करेंगे विशाल रोड शो, गुजरात में इसी साल है चुनाव। नोएडा के जलवायु विहार में बाउंड्री वॉल गिरने से बड़ा हादसा, हादसे में अभी तक 3 मजदूरों की मौत। दियोर के मलबे में दबे करीब आधा दर्जन मजदूर, अब तक 4 लोगों को निकाला गया बाहर। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, बचाव कार्यों में जुटा प्रशासन। घटनास्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने ली हादसे की जानकारी, जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द राहत कार्यों को कराने के निर्देश। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, मृतकों के प्रति शोक जताया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में केंद्रीय मंत्री ने शुरू की मुहिम, सेवा पखवाड़े के तहत लगाए पौधे। जम्मू कश्मीर के सोपार में एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का छापा, फतेह आम ट्रस्ट पर छापेमारी। पुरुलिया में कुड़मी जनजाति का रेल रोको प्रदर्शन, अनुसूचित जनजाति के कोटे में शामिल करने की मांग। मोगा में दाह संस्कार के वक्त गैस भट्टी फटने से हादसा, जख्मी लोगों का किया गया रेस्क्यू इलाज जारी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन, ईडी ने 5 चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। रांची में दुर्गा उत्सव की तैयारियां तेज, पंडाल और मूर्ति को अंतिम रूप देने की कोशिश। पंडाल को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है मां दुर्गा की प्रतिमाएं, इस बार मूर्तिकारों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद। 2 सालों बाद सूरत में दुर्गा पूजा को लेकर गजब का उत्साह, अभ्यास करने में जुटे गरबा कलाकार। जोड़ी बनाकर गरबा कर रहे हैं लोग, गरबा की तैयारियों को लेकर बच्चों में भी उमंग। हुगली के सेरमपुर में दुर्गा पर्व को लेकर बाजारों में बढ़ी भीड़, ग्राहकों से गुलजार हुए बाजार, जमकर हो रही है खरीदारी। आगरा के रामलीला मैदान में दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां शुरू, रावण के पुतला के साथ सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में जुटा नोएडा प्रशासन, सेक्टर 18 में भयमुक्त माहौल बनाने में जुटी पेट्रोलिंग टीम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घरेलू तकनीक की मदद से तैयार ऑटो रिक्शा को दिखाई हरी झंडी। आईटी मद्रास ने टीवीएस मोटर्स की मदद से जीडीआई इंजन किया तैयार। दिल्ली में ऑल इंडिया जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप की शुरुआत, इंदिरा गांधी खेल परिसर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। स्ट्रीट डॉग्स से परेशान केरल के लोगों के लिए गुड न्यूज, केरल सरकार ने डॉग्स को वैक्सीनेट करने की शुरुआत की। रिकॉर्ड संख्या में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने टेका मत्था।
अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 49वें राष्ट्रीय प्रबंधन का सम्मेलन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के बीड जिले के धनोरा बुद्रुक गांव की महिलाओं ने तोड़ा पुरानी प्रथा, मारुति मंदिर में किया प्रवेश और तोड़े नारियल। गोधरा में दुर्गा उत्सव को लेकर आपसी सौहार्द की तस्वीर, मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे हैं डांडिया। दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज, डीआईसीसी टी20 चैंपियनशिप ट्रॉफी 2022 के लिए जर्सी की सौगात। नागौर में कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के विरोधी गुट बंबिया गैंग ने ली जिम्मेदारी। तीन बाइक पर सवार थे बदमाश, गोलियां चलाते हुए फरार, दो और सहयोगियों समेत पांच आरोपियों की पहचान। सिद्धू मूसेवाला कांड के बाद बंबिया गैंग का पहला पलटवार, गैंगवार तेज होने की आशंका। हत्या पर नागौर के सांसद बेनीवाल ने उठाया सवाल। मऊ में नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई यात्रियों की जान। बुलढाणा में भारी बारिश के चलते फसल हो गई बर्बाद, किसानों को नुकसान। शिमला के पहाड़ी इलाके में बारिश और कोहरे का संकट, लोगों को रही परेशानी। बागेश्वर में लगातार बारिश से किसान बेहाल, धान की बुआई में आई रुकावट। खरगोन में भारी बारिश और डैम के गेट खुलने से वेदा नदी में आई बाढ़, आसपास के ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर में लगातार जारी है कटान का सिलसिला, चपेट में आकर कई मकान क्षतिग्रस्त। नवादा में दो अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरी, दो लोगों की गई जान। केदारनाथ घाटी में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे बंद, यातायात सेवा ठप। सुपौल जिले के कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात के चलते हालात खराब, चपेट में आए दो लोग। अलीगढ़ के प्राइमरी स्कूल में नजर आया मगरमच्छ, लोगों में हड़कंप। आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन लोगों की गिरफ्तार, कई धार्मिक किताबों भी बरामद की गई। भीलवाड़ा में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 43 बाइक समेत चोरों को किया कैद। फिरोजाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश हुआ ढेर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 करोड़ की सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में 15 लोग गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस ने 24 घंटों में किया 18 लाख की लूट का खुलासा, मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। गया में पुलिस के हाथ आई बड़ी सफलता, डकैती कांड में शामिल दो कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, जेवरात समेत कई हथियार बरामद। प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तीन बाइक्स और 21 मोबाइल समेत पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के कटक में भारी मात्रा में नकली दवाएं जब्त, बरामद दवाओं की कीमत 40 लाख। अलीगढ़ के यति नरसिंहानंद के विवादित बयान को लेकर पुलिस की कार्रवाई, थाने में दर्ज किया केस। जमशेदपुर के हुक्काबार में पुलिस ने मारी रेड, पिस्टल समेत 8 अपराधी गिरफ्तार। हैदराबाद के सरकारी अस्पताल में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य विभाग में हलचल। हरिद्वार में तेजी से फैल रहा है डेंगू, जिला प्रशासन अलर्ट। कानपुर में मदरसों के सर्वे की शुरुआत, जिला प्रशासन ने किया सर्वे टीम का गठन। लुधियाना में पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, सड़कों पर किया चक्का जाम। 12 जिले में खाद न मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आजकल अपने गाने की शूटिंग में मसरूफ है धोनी, भानुशाली स्टूडियो में स्पॉट हुई।
सेंट्रल क्रूज की बैठक के बाद मुंबई के मेडॉक में नजर आई श्रद्धा कपूर फैंस के साथ तस्वीरें। बांद्रा में नील स्टूडियो के बाहर स्पॉट हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस नौरा फतेह। मुंबई के पिलट्स सेंट्रल में स्पॉट हुई अभिनेत्री जानवी कपूर फैंस ने मोबाइल में तस्वीरें कैद की। बांद्रा में अपने साथियों के साथ स्पॉट हुई अहान शेट्टी कैमरे में कैद। कपिल शर्मा की फिल्म ज्विगाडो का हुआ ट्रेलर रिलीज। फिल्म में डिलीवरी बॉय की भूमिका निभा रहे हैं कॉमेडियन कपिल। संजय मिश्रा स्टारर फिल्म वो तीन दिन का नया गाना हो गया रिलीज। फिल्म के लीड एक्टर संजय मिश्रा ने खुद गाया गाना। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी योग और फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट पर हैं। व्हील चेयर पर बैठी एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। जोधपुर के सफर के दौरान इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते नजर आए कार्तिक आर्यन। हाथ में गिटार लिए गाना गाते नजर आए एक्टर फरहान अख्तर। गाने पर डॉग्स ने किया डांस। मुंबई में आज T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीधी भिड़ंत। दोनों टीम के लिए मुकाबला बहुत जरूरी शाम 7 बजे लाइव। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर दोनों टीमों के मुकाबले के लिए बहुत रोमांचक मैच। विश्व कप से पहले टीम कॉम्बिनेशन को आखिरी रूप देने का मौका। ऑलराउंडर और धुरंधर बल्लेबाजों पर होगी नजर। ऑस्ट्रेलिया टीम भी अपने खिलाड़ियों को परखने की करेगी कोशिश। अगर जीता तो हौसले हो जाएंगे बुलंद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में कोरोना महामारी खत्म होने की घोषणा कर दी। हालांकि अमेरिका में अभी भी कोविड-19 से लोगों की हो रही है मौत। बाइडेन ने कहा समस्या अभी भी है लेकिन हालात तेजी से सुधर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने अमेरिका रवाना हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस। तेहरान एयरपोर्ट पर कहा जो बाइडेन से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा अमेरिकियों पर भरोसा नहीं कर सकते, परमाणु समझौते पर गारंटी चाहिए। ईरान में पुलिस के हाथों मारी गई महसा अमीनी के लिए अमेरिका ने की इंसाफ की मांग। ईरान ने साधा अमेरिका पर निशाना। अमेरिका पर घरेलू मामले में दखल देने का आरोप लगाया। तालिबान ने 2020 में बंधक बनाए गए अमेरिकी इंजीनियरिंग बार को छोड़ दिया। बदले में अमेरिका ने अफगान नेता बशीर को रिहा कर दिया। तालिबान का करीबी नूर जई ड्रग्स के अवैध कारोबार के आरोप में अमेरिकी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। तालिबान को लेकर बाइडेन ने दिए बयान पर भड़क गया चीन। बीजिंग में अमेरिकी राजनीति को तलब करके बताया विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने हाल ही इंटरव्यू में कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिकी फौज उसकी रक्षा करेगी।